taking a tour of his last meditation into inner Taran. What a wonderful inner journey from rituals to realization, from tension to tranquility, from stress to serenity, from known to unknown, from extrovert to introvert, from mind to the master, from education to meditation. Let us move towards this inner journey, that is life journey. Though it's very long journey, but very rewarding journey. You enjoy it. Be seer, be witness, be non-doer for a while, and watch, simply watch inside. Bahar bikhri hui tamam chetna ko, khand khand chetna ko, shivanetra se jodte chale jana. Bahar ki dono palke mundte hi, तुम भीतर के नेत्र हो जाते हो, तुम स्वयं शिव नेत्र हो, तुम साक्षी दृष्टा अकर्ता होकर के लगातार देखते रहना, सहज अवस्था में रहना, सहजता. एकमात्र सहजता, सहज पूर्वक देखते चले जाना. मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ करना नहीं, तुम अकर्ता होकर के देखते रहना, केवल देखना, दृष्टा हो जाना, भीतर के साक्षी हो जाना, साक्षी होकर के देखते रहना, विटनेस हो जाना, जो भी देख रहा हो उसके विटनेस हो जाना, केवल देखना, भीतर की गति को देखते चले जाना. ये जन्म यूं ही गुजरता चला जा रहा है, बाहर देखते देखते भीतर सारा कचरा भरता चला जा रहा है, विचारों विकारों विकल्पों का डस्ट, सारा कीचड़ बनकर के भीतर की कल्पनाओं में यूं ही नष्ट होता चला जा रहा है. मन की कल्पनाओं ने, मन की आकांक्षाओं ने, मन की एक्सपेक्टेशंस ने, मन की आपाधापी ने अनमोल सांसों को लूट लिया, दो कौड़ी का न छोड़ा. ये दुर्भाग्य विदा करना, ये दुर्घटना ना होने देना. तुम भीतर की ओर जागना, बहुत जागे हो बाहर के प्रति, बहुत जागे हो धर्म कर्म के प्रति, बहुत पुण्य कर्म करते करते तुम गिनते गिनते थकते नहीं, बहुत अस्मिता का अंधेरा पिरोया है तूने अपने ही भीतर, अपने ही मकाम में अंधकार छा गया है. ये अमावस विदा करना, मेडिटेशन इज अ रियल चैलेंज टू स्ट्रेस. मेडिटेशन के प्रोसेस में रहने वाला मन स्थल को स्वस्थ कर लेता है, बौद्धिक तल को शार्प कर लेता है, और आत्मिक तल को जगमगा लेता है. शारीरिक तल पर आए हुए तमाम हालातों को फेस करने की ताकत संजो लेता है. ये भक्ति और शक्ति के दो बैलेंस एंड बलिस के दो पंख लगाकर के उड़ता है. ये रसायन तेरे पास है, थोड़ा प्रयोग में उतार, अपने अनुभव में उतार,
अनुभव परम संपदा है। अपने भीतर को जगमगा ली, बाहर तेरा सब कुछ जगमगा जाएगा। कंटिन्यूस वॉचिंग विल हेल्प यू टू बी थॉटलेस वन डे विच इज फुल ऑफ ब्लेस। मनोरोग हृदय रोग तुझे छू नहीं सकता, गर तू भीतर जाग करके जीता है। कोई टेंशन, स्ट्रेस, कोई चिंता, कोई सोच विचार तेरी विल पावर को कमजोर नहीं कर सकती। गर तुम भीतर थोड़ा जागो, मन से हट करके मन की गति को देखने वाले हो जाना तेरा स्वभाव है। अपने स्वभाव में रहना, मन के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन ना रहे, कोई तादात्म्य ना रहे। थोड़ा थोड़ा मन से हटने की महान प्रक्रिया में उतरना मेडिटेशन है। मन से हटना, अपनी याद अपनी स्मृति में उतरना, अपनी सुरती जगाना, अर्थात जागना। मन के प्रति, मन माया को देखने वाले हो जाना, मन के मास्टर हो जाना ही तेरी जिंदगी की कीमत है। इतना अनमोल जन्म यूं ही ना रुला देना, कंकर पत्थर बीनते बीनते ये जन्म व्यर्थ ना जाए, सार्थक कर लेना जीवन जो जगा करके। अपने भीतर की दिशा संभालना, अपने शिव नेत्र में रहना, वो तेरा असली निवास है। वहां स्वरूप तेरा हर पल हर घड़ी छलकता है। मेडिटेशन का प्रोसेस तुझे रिलैक्स करता चला जाए, तुझे फ्रेशनेस देता जाए, फिटनेस देता जाए, तेरी नेगेटिविटीज को धोता चला जाए, तेरे बहिर्मुखी आदतों को विदा करता चला जाए। इस संगीतमय वाइब्रेशंस में अपने को वाइब्रेट कर लेना, तब हम अपने भीतर जीवन यात्रा पर रहना, अपने संगीत को, शाश्वत संगीत को, अपने अनहद नाद को जा लेना, उसको जगमगा लेना जो सदा से बज रहा, अनाहत आहत नहीं है। बाहर का संगीत आहत है, भीतर अनाहत संगीत बज रहा है। आहत से अनाहत की ओर अपनी यात्रा कायम रखना। 365 तीर्थों की यात्रा है जीवन यात्रा। इस जन्म में तुझे जीवन यात्रा करना है, जीवन की खोज तलाश करना, महातीर्थ को खोज लेना, अपने भीतर हृदय द्वार को उपलब्ध हो जाना है। जिसकी परिक्रमा 365 तीर्थों की परिक्रमा के बराबर है, अपने ही भीतर की परिक्रमा में जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का
अप्रत्यक्ष रूप में निवास है और प्रत्यक्ष कर सकता है तुमको, जहां वो सदा सदा के लिए तेरे पास कुर्बान होते हैं। जो भी भीतर का मालिक हुआ उस पे सारा आलम बरस गया। इश्क वालों का एहतराम करो, इश्क वालों का एहतराम करो, इश्क वालों का, इश्क वालों का एहतराम करो, इश्क वालों का, इश्क वालों का एहतराम करो, इश्क वालों का एहतराम करो, इश्क वालों का एहतराम करो। कुछ तो दुनिया में नेक काम करो, कुछ तो दुनिया में नेक काम करो, इश्क वालों का एहतराम करो, इश्क वालों का एहतराम करो, इश्क भी जगेंगे चारों और जलवे, अभी उठेंगे चारों और जलवे, तुम निगाहों का निगाह बना लीजिए, तुम निगाहों का एह तमाम करो, तुम निगाहों का एह तमाम करो, तुम निगाहों का एहतमाम करो, तुम निगाहों का एहतमाम करो। कुछ तो दुनिया में नेक काम करो, सदगुरु आए हैं
सुराही लेकर मुर्शिद आए हैं, सुराही लेकर साकी आए हैं, साकी उतरे हैं सुराही लेकर, सदगुरु आए हैं सुराही लेकर, कुछ तो पीने का अब तो पीने का, पीने पिलाने का अब तो पीने का इंतजाम करो, कुछ 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 तो पीने का पीने पिलाने का। सुकरात दुनिया भर का विद्वान होकर के कहता है, मैं निपट अज्ञानी, मैं निपट अज्ञानी जब मैंने अपनी ओर मुड़ के देखा, मेरे अस्मिता के अंधेरे, मेरे अहम के अंधकार, मेरे घने अंधेरे भीतर अहंकार अभिमान के अहम की ईगो की पहली बार जब देखा, हैरान रह गया कि मैं किस ज्ञान को वांच रहा हूँ बाहर, मैं किस ज्ञान को वांच रहा हूँ, जो ज्ञान मेरे जीवन को, मेरे अपने ही जीवन को धो नहीं सका, मेरे अपने जीवन के अंधेरों को, अज्ञानता को, अविद्या को, इग्नोरेंस को दूर नहीं कर सकता, वो ज्ञान मैं क्या वांच रहा हूँ बाहर, वो किताबी बुकिश नॉलेज, मैं क्या इतना बड़ा विद्वता का शिखर होकर के, मैं इतना बड़ा अहंकारी अभिमानी होकर के, मैं इतना बड़ा अहंकार का शिखर होकर के विद्वता का मैं देख क्या रहा हूँ, जब मेरे भीतर ही कुछ नहीं, मेरी अंतरात्मा में ही अंधेरा है, मैं दूसरों को क्या ज्ञान वांच रहा हूँ, डूब गया है। एकदम आवाज निकली, मैं निपट अज्ञानी, आई एम टोटली इग्नोरेंट। यही अरिस्टोटल ने कहा कि कोई दुनिया का बादशाह हो सिकंदर, मेरे लिए कोई एक दरवेश ले आए, मैं दरवेश ना बन सका, ना दरवेश हो सका, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़ा फिलोसफर हूं, किंतु मैं दरवेश नहीं हूं, मैं भी बुद्धि के पार होकर के अपने अस्तित्व को जानना चाहता हूं, जो डायोजनीज ने मुझको इशारा किया है वो उस इशारे पर पूरा उतरना चाहता हूं, किंतु कोई भारत का दरवेश मिल जाए, कोई दरवेश हाथ लग जाए, मैं दरवेश ना हो सका, मैं बहुत बड़ा दार्शनिक हूं, आज दुनिया भर का शिखर हूं दार्शनिकता का, दर्शन शास्त्र कोट कोट करके मेरे शिखर पर हैं, आज सारा वेस्टर्न कल्चर उसके एकमात्र तर्क पर, उसकी दार्शनिकता पर, उसके दर्शन शास्त्र पर टिका है, इतना बड़ा लॉजिक का मालिक दोनों आंखों से आंसू बरसा के कहता है, सिकंदर अलेक्जेंडर मेरे लिए दरवेश लेते आना, कोई जागा पुरुष लेते आना, जिसके सानिध्य में बैठ करके मैं भी दरवेश हो सकूं, मैं भी जागा पुरुष हो सकूं, मैं भी तत्वज्ञ पुरुष हो सकूं, बुद्धि का शिखर क्या बोल रहा है, क्या गजब है महाप्रभु चैतन्य का शिखर, चैतन्य दुनिया के माने हुए एक महान विद्वान गली गली खड़ताल बजाते हुए चल पड़े, आह क्या हृदय में उतरे, बुद्धि के शिखर से जब हृदय में उतरे तो दुनिया की नजरों में पागल हो गए, पगले हो गए। शंकराचार्य स्वयं मंडन मिश्र को हराने के पश्चात अपने भीतर मुड़ के देखते हैं कि सारा अंधेरा है टोटल, वेद व्यास अपने भीतर मुड़ के देखते हैं, अग्नि ही अग्नि जल रही है, एकमात्र अग्नि ही अग्नि अहम की जल रही है, नारद मुनि देव के चरणों में पढ़ करके कहते हैं, नारद मुनि देव ने कहा इस अग्नि को शांत करने के लिए चलिए,
वृंदावन गोकुल की बहती यमुना के किनारे की और अपना ध्यान जोड़िए उस महान भक्ति के आकाश को, भक्ति के छलकते हुए महासागर को जरा छू लीजिए। वेद व्यास जी, दुनिया के माने हुए दार्शनिक, दुनिया के माने हुए विद्वान, अगर भगवत रूप होना चाहता हो तो उस भगवत्ता को छूए जो अनपढ़ अपढ़ गंवार गांव के छोरे छोरियों ने यमुना किनारे पर चमत्कार उतार दिया, जिंदगी कुर्बान कर दिया अपने मालिक, अपने गोपाल के लिए, अपने मुर्शिद के लिए, अपने उस प्रीतम के लिए जहां जिंदड़ियां कुर्बान हो गई प्यास में। उस दर्द को जगाइए अपनी लेखनी में तो जीवन पलट जाएगा। अब बुद्धि से थोड़ा हृदय में उतरिए। जब तक हृदय हार्दिक भाव में जब तक तुम नहीं उतरोगे, हृदय हाथ नहीं लगेगा, तब तक जीवन का पता नहीं चलेगा, तब तक ये जीवन प्यासा ही रहेगा। ये जीवन कभी संतुष्ट तृप्त नहीं होगा, ये जीवन सूखा सूखा ड्राई एकमात्र मरुस्थल होगा, मरुद्यान नहीं बन सकेगा। यही 12 वर्ष का छोरा राजा जनक को कहता है। जनक अष्टावक्र ने कहा, जब जागे पुरुष मिलते हैं तो जनक धर्म सभाओं की जरूरत नहीं होती, सभाएं वाद विवाद संवाद नहीं चलते वहां, वहां तो नजर नजर से पिला दिया जाता है, रोम रोम से पिला दिया जाता है, वहां पीने पिलाने की बात होती है, वहां वहां एकमात्र सागर छलक उठते हैं प्यास के, प्यास प्राणों में उतर आती है, प्राणों में परमात्मा का प्रादुर्भाव हो जाता है, वहां प्यासी प्यास छलकती है, वहां केवल पिया और पिलाया जाता है। कितना सुंदर कहता है जनक, दोनों का मिलन विदेह बना गया जनक को, गुरु कृपा बरसी, प्रभु कृपा से तो प्यास लगी ही थी, उस प्यास को परमात्मा बनाने वाले उतर गए, अष्टावक्र आए और अंतिम घड़ी तक साथ रहे, प्यास को परमात्मा बना करके जनक को चारों युगों में आबाद कर दिया, प्यास प्राणों में उतरी हुई को परमात्मा से जोड़ दिया, केवल नजर नजर से, केवल एक महत सानिध्य में बैठ करके, वहां ना पाठ चलता है ना पूजा चलती है, तब तक होते हैं जब तक जागा पुरुष नहीं मिलता। जागा पुरुष मिलते ही अष्टावक्र ने कहा, जनक सभी साधनों का अतिक्रमण हो जाता है, सभी साधनों पर लकीर फिर जाती है, जब वो साध्य को साधा हुआ कोई सतपुरुष उतर आता है वो तेरी प्यास को तृप्त कर सकता है। ये धर्म सभाओं में बैठे हुए चर्चा करने वाले ज्ञान की, शास्त्रों की, वेदों की, उपनिषदों की, या नहीं, ये किताबी लोग नहीं, ये भीतर के अंधे लोग नहीं, तेरी प्यास बुझा सकते ये नहीं। उसमें उसका पिता भी बैठा है, सीधा बोल दिया, जो सच्चाई है वो बोल दिया, गजब कर दिया अष्टावक्र ने। और उधर देखना, जब प्यासे दीवाने यमुना किनारे बैठे हुए 100-100 साल के हो गए, अपनी इंतजार अपनी प्रतीक्षा की घड़ियों को तनिक मात्र भी कमजोर नहीं पड़ने दिया, अपनी प्यास को भी कमजोर नहीं पड़ने दिया, उद्धव आया तो उसको क्या सबक सिखाती है कि उद्धव भी सखा सखी होकर के रह गया, जो काम भगवान कृष्ण से नहीं हुआ अपने उद्धव के प्रति वह राधा सखियों सखाओं ने कर डाला, जो अहंकार अभिमान उसके साथ रह करके ना टूट पाया वह यमुना किनारे उद्धव का भी टूट गया। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव उद्धव, ये तो प्रेम की बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आश
इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्यास की बात है उदो। इश्क वालों ने कब वक्त पूछा, इश्क वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं, इश्क वालों ने ओ उधव अरे उधव दुनिया के विद्वान पूजा में पाबंदियां हैं, इश्क वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं, तेरी भक्ति में पाबंदियां हैं, यहाँ दम दम पर होते हैं सजदे, यहाँ दम दम पर होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधर उधर, ये तो प्रेम की बात है उधर। वो नजर फिर क्या दुनिया को देखे, जिनकी नजरों में तू है समाया, वो नजर फिर क्या दुनिया को देखे, जिनकी नजरों में तू है समाया, वो नजर फिर क्या दुनिया को देखे, जिसकी नजरों में तू है समाया, वो नजर फिर क्या दुनिया को देखे, जिसकी नजरों में तू है समाया, जिसकी नजरों में मोहन बसा हो, अरे उधव उधव बसा हो, वो नजर फिर भटकती नहीं है, वो नजर फिर भटकती नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, उधो ये तो प्यास की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो हृदय की भाषा है उधो, ये तो हृदय की पुकार है उधो, मन बुद्धि का खेल नहीं है, और मन बुद्धि का खेल नहीं है, ये तो प्रेम की बात